थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए और क्लासेस आपको कैसा लगा, फीडबैक सजेशंस फ्यूचर स्टूडेंट्स। ओके, एक्चुअली मैं बाय एजुकेशन MBA हूँ, लेकिन जो क्या होता है कि एक मार्केट में रहता है या फिर जो भी इंडस्ट्री के रिलेटेड हम जाते हैं, तो जॉब छोड़ के जब इन्वेस्टमेंट का बारी आती है तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते। तो हो सकता है कि हम कहीं से सुनते हैं या फिर कुछ आधा अधूरा ज्ञान रहता है, उसके आधा दोस्तों से पूछते रहते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट चालू रहता है इसका। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये हुआ था कि नुकसान हुआ, इतना मीन्स ज्यादा फायदा नहीं हुआ फिर। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार MBA तो एज अ फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो क्यों ना हम अगर जो हमारे कमा है वो इन्वेस्टमेंट भी एक फॉर्मल एजुकेशन के हिसाब से किया जाए। तो मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया कि जहाँ पे क्लास कौन सा है, और मुझे ऐसा एक चाहिए था कि बड़ा जो जहाँ पे क्लास रहता है वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहता है, तो उसके कारण पर्सनलाइज रिलेशन जो टीचर का और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और मुझे एक्चुअली ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट कुछ ऊपर से जाएंगे, मुझे तो थोड़ा सा लग रहा था कि मिस गट फीलिंग थी कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूंगा जो भी टेक्निकल लैंग्वेज रहेगी, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ पे आने के बाद मुझे अच्छा लगा कि जो भी एक्चुअली मैं चाहता था, तो मीन्स जो टेक्निकल एनालिसिस जो सिर्फ ना सुनते थे कि टेक्निकल, लेकिन एक्चुअल में देखना क्या है, क्योंकि अवेलेबल तो सब रहता है लेकिन उसमें से चुन के मुझे क्या करना है और कैसे ये करना है वो समझ में आ गया। इसके कारण अभी मैं खुद भी मेरा एनालिसिस कर सकता हूँ, एंड अगर कोई मुझे पूछेगा अभी जो स्टॉक अगर मुझे बताएगा तो मैं पहले उसको पूछूंगा कि तूने कहाँ से किया है, तो ऐसे ऐसे ये पैरामीटर तूने चेक किया है क्या, तो वो हमारे इसमें भी कम्युनिकेशन रहेगा, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और उसको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो हेल्प हो जाएगा। क्लास करने के बाद आपके जो पहले से पोर्टफोलियो बने हुए हैं, तो आप अभी क्लास करने के बाद मैं होप करता हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो स्टॉक अच्छा है कि नहीं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो कि नहीं, किधर आपको ट्रेडिंग करना है, किधर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, किस तरह के स्टॉक पिक करना है ताकि आपको कोई रिटर्न दे। यस, एक्चुअली मैंने मेरे दो अकाउंट है, HDFC में जीरोधा में, जहाँ पे मैंने HDFC में जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना था वो लगा के रखे थे, एंड जो जीरोधा में थे तो वो तो थोड़ा सा ऐसे ही थे, उसमें देखूंगा कि कहाँ से मैं फायदा निकालू ज्यादा नुकसान ना हो। यस, एक्चुअली वो स्टॉक जो सिलेक्शन है वो गलत हो गया, अभी ये तो मुझे पता चल गया, तो उसमें ज्यादा नुकसान ना हो, जस्ट वो एक बार प्राइस इक्वल हो जाएगा तो मैं वहां से बाहर निकलूंगा और जो मेरा अमाउंट है वो दूसरे जहां से मैं ट्रेडिंग से जरिए वहां से कमा सकूंगा। एक चीज जो क्लास में अच्छा लगा शॉर्ट में बोला जाए, एक चीज क्या आपको अच्छा लगा? एक चीज अगर यहाँ पे ऐसा कि अच्छा लगा अगर बताना है तो इनसाइट हो गया कि बहुत कुछ सीखना है, एंड ब्लाइंडली नहीं होता कोई, अगर आपको अगर कुछ सही में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है या फिर कोई लर्निंग भी करना है, एंड दिस इज नॉट ओनली रिगार्डिंग टू द स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्लासेस, बट अगर मेरे प्रोफेशनल में भी अगर मुझे कुछ करना है तो जैसे आपका थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या फिर जैसे फाइलिंग का जो भी था दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग, मेरा भी काम अगर मैं कैसे इजी कर सकता हूँ मेरे जॉब में भी, सो दैट इज सिमिलरली आप पैरेलली आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते क्लासेस। से पहले मैं खुद के बारे में बोलना चाहता कि मेरे लिए शेयर मार्केट कम्प्लीटली नया है, मुझे पता ही नहीं था शेयर मार्केट क्या होता है, और मुझे यहाँ किसी ने तो धकेल के भेजा हुआ है, और यहाँ के बाद मैं देखता हूँ आजू बाजू के जो मेरे बैठे हुए जिनको पता है पहले से शेयर मार्केट क्या है, और जो आप पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से लेकर एडवांस तक जो उन्होंने उनका शेयर किया है एक्सपीरियंसेस, तो उसके हिसाब से जो आप पढ़ा रहे शायद मुझे लगता है मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, छोटे से एक 5 दिन में मैं बहुत कुछ सीख गया, सो दैट इज एडवांटेज फॉर मी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरे को जो नहीं समझता मैं उसमें जाते ही नहीं, तो इसीलिए मुझे किसी ने पुश किया है और मुझे लगा कि मैं एक अच्छी जगह पे आ गया हूँ, एटलीस्ट मुझे कुछ नया सीखने को मिला है जो मैं नहीं चाहता था देखना कभी भी, लेकिन अभी ऐसे कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए, तो ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे अभी मुझे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और शायद अब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा इसमें। थैंक यू सो मच। हर एक बिगिनर क्वेश्चन होता है कि हम 5 डेज में मार्केट को समझ पाएंगे कि नहीं,
तो आप उसको ग्रास्प किए, मार्केट को समझ में आया आपको कैसे काम करती है, कैसा चलता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं एक जो मुझे बिल्कुल नील था, मैं कंप्लीटली ब्लैंक था, उसमें से मुझे 60% में आ गया, यानी एटलीस्ट मुझे 60% करे, अल्टीमेटली प्रैक्टिस के जाओ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। yes, yes. लेकिन जो इनिशियल आपको बेसिक चाहिए वो पहले से लेकर एंड तक ए टू जेड तक जो बेसिक चाहिए वो मैंने ग्रास्प कर लिया है मुझे लगता है। okay. और वो प्रैक्टिस से बाकी का हो सकता है, सब डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन आपको, आपके हिसाब से क्लासेस कैसे चलती है, कैसी है? अगर आपको कमर्शियल क्लासेस नहीं करना है तो आप जरूर यही आइए। I am also, you can say, a blank slate. Okay. I don't know. I heard about share market that it is risky, and many people around us are in vain due to this. Yes. Where I am from, Murli Ganjan. Yes. Okay. In that, I think 6-7 years back, there is a big scam of around 500 crore. And the people, village people, what they did, they blindly give them the money. And 10% they used to give back. Yes, sir. So, in that area, the huge, this thing was there. Scarcity. So, just I want to learn what is. I will invest or not. Yes, sir. I don't know, but I want to learn what is the share market. But if we go fundamentally, yes, and technically, yes, well, we should have at least 70-80% confidence that we can, yes, gain money from this. Yes. But the way you teach in fundamental, yes, there are 7-8 points, 12 points I believe. If we check the any company where you are investing, and if you check all these parameters, and you are 80-90% confident that this is a good opportunity to invest. Yes. So we can do that. And also, after investment, where the stock is going, yes, technical jo background, jo analysis hai, it will help it is going up or down. Yes. And where we have to be alert. Yes. That is perfectly clear to me. Yes. And thanks to you. And regarding this class, this teaching is there. This is one part. But the way you teach, no? Yes. In Marathi, we can. It's a tuition type. Yes, sir. Okay. So it is not a class, big class. Yes, sir. So, where 40 students are there. So there is a personal attachment. Yes. And you have clarified all the questions, what the doubts we have, questions we have. I can give 5 out of 5 marks. Excellent. These are the very valuable feedback for us. So that in the beginning of class you told me that I am very blank. Yeah. First year also. And repeatedly you have revised this that I am blank. So I can understand that somewhere some people are coming, they do not have the knowledge. And we have to pick up from these levels also. So this is my attempt to make you understand how the market is working. So I hope that you will practice and then you will, whatever document we have shared, whatever points we have discussed, just practice, and this is a journey. Yes. Be with us and get the benefit from it. For the YouTube, for the blogs, and for one-to-one contact. So thank you very much for coming here and giving us opportunity to share my knowledge. Thank you. Thank you. Thank you very much.